हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक आइटम फिल्टर की एक टीडीएल फाइल प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये टीडीएल फाइल चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी देंगे, मैं उस मेल आईडी पे आपको ये टीडीएल फाइल सेंड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीडीएल फाइल के यूज़ के बारे में कि इसे यूज़ कैसे करना है टैली में। तो देखिए, जब आप इस टीडीएल फाइल को टैली में ऐड कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद आपके पास गेटवे ऑफ टैली पर एक ऑप्शन आएगा आइटम डीएक्टिवेट रिपोर्ट का। अब हम यूज की बात कर लेते हैं। जब हम अकाउंटिंग वाउचर में सेल या परचेज करते हैं, तो हम जब आइटम सेलेक्ट करते हैं सेल या परचेज करने के लिए, तो फ्रेंड्स देखा गया कि कई बार हमारे पास इतने आइटम्स होते हैं जो कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब पास्ट में आपने यूज किया है, यानी महीने 2 महीने पहले आपने उस आइटम को यूज किया है, उसके बाद अभी प्रेजेंट में आप उस आइटम को मंगा नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, या किसी कारण से उस कंपनी से आपका काम बंद हो चुका है, तो उस सिचुएशन में वो आइटम हमें फिल्टर में दिखाई देते हैं और फ्रेंड्स उसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उसे पास्ट में यूज किया हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो तो वहां पर तो फ्रेंड्स दिक्कत नहीं, वहां हम उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में हम उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने उससे रिलेटेड एंट्रीज पास कर रखी हैं। तो सिचुएशन में हमें फिल्टर में कई आइटम्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग 2 या 4 आइटम डील करते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग 2000 से लेके 5000 तक आइटम डील करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है अपने मेन आइटम को सेलेक्ट करने में। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, 0 पीस है। इस सिचुएशन में अगर मानकर चलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 पीस वाले को आपको डीएक्टिवेट कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स भले इस आइटम की क्वांटिटी प्रेजेंट में 0 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसे डील नहीं करते हैं। जिस आइटम को आप रेगुलर डील करते हैं, भले उसकी क्वांटिटी 0 क्यों ना हो सकता है फ्रेंड्स 2-4 दिनों में या 10 दिनों में आप वापस से उस आइटम को मंगाएं और आपके पास क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसे आइटम को आप कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करेंगे जिसे आप रेगुलर डील करते हैं। लेकिन आप ऐसे आइटम को डीएक्टिवेट करेंगे जिसे आप लंबे समय से डील नहीं कर रहे हैं, जिसे आप लंबे समय से नहीं मंगवा रहे हैं और जिसकी यूज आपको लंबे समय से नहीं पड़ रही है, उस आइटम को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं ये भी बता दूं कि इस टीडल को ऐड करने के बाद सिर्फ आप डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, उस आइटम को जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसे आप वापस से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि कभी भी, जैसे अभी मैंने बताया कि इसकी क्वांटिटी 0 है, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि आप इसे डीएक्टिवेट कर दें, या जिस आइटम में क्वांटिटी है उसे भी अगर आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो वो भी आपको फिल्टर में नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि अगर आपको याद ना रहे तो आपको बार बार स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने पड़ जाएं, इसीलिए कभी भी भूल कर भी ऐसे आइटम को डीएक्टिवेट नहीं कीजिएगा जिसकी क्वांटिटी है या जिसे आप रेगुलर डील करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये जान लेते हैं कि डीएक्टिवेट कैसे करना है और वापस से एक्टिवेट कैसे करना है। तो आपको डीएक्टिवेट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो में आना होगा, स्टॉक आइटम्स में जाना होगा और अल्टर में जाना होगा, और जिस आइटम को आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उसमें चले जाएंगे आप। जैसे सपोज कीजिए मैं ये मोबाइल्स को डीएक्टिवेट करना चाहता हूं, मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, और जाने के बाद फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है, F12 यानी कॉन्फिग में जाकर डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा, तभी आपके पास वो ऑप्शन आएगा एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसे यस करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आपके पास डू यू वांट टू डीएक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहां पर आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर डेट वगैरह नहीं देनी है, क्योंकि इस टीडीएल में भले ये ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन इसका परफेक्टली यूज नहीं होता है। जैसे मैंने यहां पर दिया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि मैं 1 अक्टूबर से चाहता हूं कि ये आइटम मुझे फिल्टर में नहीं दिखाई दे, लेकिन मैंने जैसे इसे डीएक्टिवेट किया तो मैं 1 तारीख अप्रैल की भी डाल रहा हूं, तो वहां पर तब भी मुझे ये आइटम नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको डाल के दिखाया कि कैसे यहां पर डाल सकते हैं, लेकिन इनका यूज बिल्कुल नहीं है। डेट आप नहीं भी डालेंगे और यहां पर रीजन नहीं भी डालेंगे तो भी फ्रेंड्स आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर आप डेट डालते भी हैं तो फ्रेंड्स जिस डेट को आप ये डीएक्टिवेट कर देंगे, यानी टैली में जो करंट डेट होगी उस डेट से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, इससे रिलेटेड जो भी आपने ओल्ड एंट्रीज पास की होंगी उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यहां से इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं, आप देख लीजिए यहां पर आइटम डीएक्टिवेट का जो रिपोर्ट का ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की ई है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आइटम आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मानकर चलिए मुझे एक्टिवेट करना हो तो मैं यहीं से एक्टिवेट कर सकता हूं, यहां पर मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद मैं यहां पर इस आइटम को, यहां पर जो मैंने यस किया है इसे नो कर दूंगा, डू यू वांट टू डीएक्टिवेट इसे नो कर दूंगा, तो ये वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। और ये काम आप स्टॉक आइटम में भी जाकर कर सकते हैं, जहां पर मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम अल्टर, यहां पर मोबाइल्स में,
यहां से भी आप इसे एक्टिवेट वापस से कर सकते हैं। अब चलकर हम देख लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर में यहां पर कि वो आइटम दिखाई देता है कि नहीं। यहां पर आप देखिए मोबाइल दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, मोबाइल्स नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहां पर फिल्टर में देख सकते हैं सिर्फ मोबाइल है, उसमें एस लगा हुआ है लास्ट में, वो आप देख लीजिए। फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल्स है। ठीक है, अब मैं इसे वापस एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, कंट्रोल ए से मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलिए कंट्रोल ए से नहीं हुआ, हम एंटर एंटर करके कर लेंगे। यहाँ से ये हट चुका है, अब चल के हम देखते हैं यहाँ पर कैश मोबाइल्स देख सकते हैं। अब आपको ये मोबाइल्स भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि इसमें माइनस में मेरे पास नेगेटिव स्टॉक आ रहा था, तो भी ये यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट होना बंद हो चुका था जैसे मैंने डीएक्टिवेट किया था। फ्रेंड्स मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने बताया कि जिस आइटम में क्वांटिटी हो या जिसे आप रेगुलर यूज करते हैं उसे आप कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करें, ये आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो सेल और परचेज के टाइम आपको वो आइटम रिफ्लेक्ट नहीं होगा और फ्रेंड्स उसके कारण आप सेल और परचेज नहीं कर पाएंगे। मे भी मानकर चलिए आपने 100-200 आइटम को डीएक्टिवेट कर दिया है और उसमें से कुछ ऐसे आइटम भी है जो रेगुलर यूज आते हैं, उन्हें भी आपने डीएक्टिवेट कर दिया है और आप आइटम डीएक्टिवेट रिपोर्ट को जाकर नहीं देखते हैं, सिर्फ आप ये सोचते हैं कि मे बी मैंने डिलीट कर दिया हो या ऐसा आइटम मैंने क्रिएट ही नहीं किया हो। तो उस सिचुएशन में अगर आप क्रिएट भी करना चाहेंगे उस आइटम को, तो आपको टैली वार्न करेगी, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, और ये याद रखें कि डीएक्टिवेट करने से सिर्फ जो स्टॉक की फिल्टर है जहां पर हम आइटम सेलेक्ट करते हैं वहां पर आपको डीएक्टिवेट होगा, स्टॉक समरी वगैरह में आपको डीएक्टिवेट नहीं होता है और ओल्ड एंट्रीज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि टीडीएल फाइल ऐड कैसे करनी है। फ्रेंड्स मेरी टीडीएल फाइल डेस्कटॉप पे है, मैं इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर इसे ऐड करूंगा टैली में। सिक्योरिटी टैब में जाएंगे हम और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम को पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे विथ एक्सटेंशन, यहां से कॉपी करेंगे हम, यानी डॉट टीसीपी के साथ कॉपी करना है। उसके बाद हमें वापस से टैली में आना है। फ्रेंड्स यहां पर मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को टीडीएल फाइल ऐड करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको इस वीडियो में टीडीएल फाइल ऐड करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये टीडीएल फाइल यूजफुल है और ये ऐड होगी। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मैं यहाँ पर ये टीडीएल फाइल ऐड कर रहा हूँ 6.4.8 में भी ऐसा हो सकता है कि आप ये टीडीएल फाइल मुझसे लीजिए और बाद में जो न्यू वर्जन आए टैली का उसमें ऐड कीजिए, मे भी वहाँ पर ये टीडीएल फाइल वर्क कर सकती है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर एरर आ जाए इस टीडीएल फाइल में। इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जो हम डेस्कटॉप पे टीडीएल फाइल रखते हैं, कई बार ऐसा मैंने खुद देखा है कि वो टीडीएल फाइल टैली में ऐड करने पर ऐड नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसे डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी हमारी ड्राइव्स हैं सी ड्राइव को छोड़कर वहां पर रख के ऐड करते हैं तो वो टीडीएल फाइल ऐड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सटेंशन के साथ कॉपी नहीं करते हैं, उसका ना ऐड नहीं होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फ्रेंड्स अगर मानकर चलिए आपने ऐड किया और उसके अलावा आपने कई सारी टीडीएल फाइल्स ऐड करके रखी हैं, तो वहां पर आपको डुप्लीकेट के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आप जितनी टीडीएल फाइल्स आपने पहले ऐड की हैं उन्हें आप हटाइए, उसके बाद ऐड करके देखिए, और तो हो सकता है आपकी ये टीडीएल फाइल ऐड हो जाए। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोगों की ये कंप्लेन आती है कि टीडीएल फाइल ऐड करने के बाद हमारी टैली में जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स रहते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है टीडीएल फाइल को ऐड करने के बाद, तो सबसे पहले आप टीडीएल फाइल को रिमूव कीजिए या डीएक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए अगर आपके जो फीचर्स हैं वो वर्क करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है टीडीएल फाइल के कारण आपकी टैली में एरर्स आ रहे थे। इसके अलावा फ्रेंड्स कई लोग ये भी बोलते हैं कि टीडीएल फाइल को ऐड करने से हमारे डाटा पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा या टैली में कोई एरर्स तो नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स इसकी गारंटी कोई नहीं लेता है। मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आज तक जो भी मैंने टीडीएल फाइल प्रोवाइड की है उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारी टीडीएल फाइल मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अगर मानकर चलिए आपको ऐसा कोई डाउट है या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले टीडीएल फाइल को एजुकेशनल मोड में यूज़ कीजिए, 2-4 दिन यूज़ करके देख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो आप लाइसेंस मोड में उसे यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे की बात कर लेते हैं कि टीडीएल फाइल को ऐड कैसे करना है टैली में। तो आपको जैसे मैंने कॉपी करना बता दिया, अब आपको यहाँ पर सीरीज ए रिलीज 6.4.8 जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट और टी है। उसके बाद आपको F4 मैनेज लोकल टीडीएल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लोड टीडीएल फाइल्स ऑन स्टार्टअप इस पर यस कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आके आपको अपनी टीडीएल फाइल को पेस्ट करना होगा।
तो मानकर चलिए अगर आपने कोई टीडल फाइल पहले से यहां पर ऐड करके रखी है तो आप नीचे आ जाएंगे और यहां पर कंट्रोल अल्ट और वी, कंट्रोल अल्ट और वी फॉर पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आप एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी टीडल फाइल ऐड करके रखी है इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी ये टीडल फाइल परफेक्टली लोडेड है, यहां पर वन ऑफ वन लोडेड नीचे में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सीरीज ए रिलीज 6.4.8 के नीचे। अगर आपकी कोई भी एरर्स होगी वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।